आज पर्यावरण के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है वो है वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल। सिंपल सा अगर इसका अर्थ ही है वायु का घेरा या मंडल जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ क्या है घिरा हुआ है। इसको देखिए थोड़ा सा, ये जैसे ये पृथ्वी है, ग्लोब है। अगर देखा जाए तो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक गैसीय क्या है आवरण है। ये क्या है? एक गैसीय आवरण है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, किसके, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसकी सतह से लगा हुआ है ये। और ये जो वायुमंडल है, ठीक है, ये विभिन्न प्रकार की गैस, ये जो वायुमंडल है इसका निर्माण विभिन्न प्रकार की क्या है गैसें, जलवाष्प, क्या है जलवाष्प, और धूल कण, किसका, धूल कण। इन तीनों का यह एक यांत्रिक मिश्रण है। कैसा है? एक मैकेनिकल कंपोनेंट्स है ये, ठीक है। इन तीनों से मिलकर ही हमारे वायुमंडल का क्या होता है, निर्माण होता है। इन तीनों का हमारा वायुमंडल क्या है, यांत्रिक मिश्रण है ये। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ये हमारा वायुमंडल कैसा मिश्रण है, गैस, जलवाष्प, धूल कण, आपका उत्तर होना चाहिए यांत्रिक मिश्रण है। दूसरी चीज, अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि हमारे वायुमंडल की उत्पत्ति कब हुई, ठीक है, तो आप बताएंगे कि हमारे वायुमंडल की उत्पत्ति, किसकी, वायुमंडल की उत्पत्ति कैम्ब्रियन कब हुई है, कैम्ब्रियन युग में हुई है। और जब वायुमंडल की उत्पत्ति हुई, जिसे हम कहते हैं आदि वायुमंडल, क्या कहते हैं, आदि वायुमंडल, और इस आदि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जिन गैसों की प्रधानता थी वो थी हाइड्रोजन, क्या थी, हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम। शुरू में हमारे वायुमंडल में इसकी क्या थी, प्रधानता थी। और जो शुरू का हमारा वायुमंडल रहा है वो गर्म वायुमंडल था, ठीक है। बाद में हमारा जो पृथ्वी की सतह भी ठंडी हुई और वायुमंडल भी क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, ठंडा हुआ, और आज जो गैसों का जो आकार है उसका रूप लिया। अगर हम वायुमंडल में देखें ये जो गैसें हैं, वायुमंडल की गैसों को हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। ये जो गैसें हैं हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं, इनको कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है, दो श्रेणियों में। एक भारी गैसें हैं, एक क्या है, भारी गैसें हैं, और दूसरी हल्की गैसें हैं। दूसरे प्रकार की गैसें कैसी हैं, हल्की गैसें। अगर हम भारी गैसें देखें तो भारी मतलब इसी की इधर न जाए, अंतर्गत हम देखें तो भारी गैसों के अंतर्गत आपकी जो सबसे पहली गैस आती है वो है नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन। और जो दूसरी गैस आती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीजन। क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं। भारी गैसों में जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण गैस है वो है आर्गन। याद रखिएगा, आर्गन एक नोबल गैस है, एक अक्रिय गैस है। चौथी गैस जो भारी गैसों की श्रेणी में आती है, ठीक है, वह है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये सबसे जिम्मेदार गैस है। इसकी मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है हमारे वायुमंडल में। और जो पांचवी गैस आती है वह है हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन।
अगर हम इन गैसों का प्रतिशत देखें वायुमंडल में, इन गैसों का अगर प्रतिशत देखा जाए, ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है इसका प्रतिशत 78.03% है, यानी कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किसकी है? नाइट्रोजन गैस की। दूसरे नंबर पर जो ऑक्सीजन है, अगर इसकी मात्रा देखा जाए तो 21% है, लेकिन एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 20.99% है। तीसरी अगर हम देखें जो आर्गन गैस है, इसकी वायुमंडल में मात्रा 9323% है, 0.93% ही लिखा जाता वैसे, लेकिन अगर एग्जैक्ट लिखना होगा तो आप इस पूरे फिगर को लिख सकते हैं। तीसरी है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। कितना है? 0.03% है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन है, अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में 0.01% है। कितना है? 0.01% किसकी मात्रा है? हाइड्रोजन की। फिर उसके बाद हम आते हैं हल्की गैसों की श्रेणी में। हल्की गैसें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले नंबर हल्की गैसों में आता है नियान का। किसका? नियान का। इसकी जो मात्रा है वायुमंडल में 0.0018%। कितना? 0.0018% मात्रा किसकी है? नियान की। ठीक है, इसके बाद हल्की गैसों में जो दूसरा नाम आता है वो है हीलियम का। कौन सा? हीलियम का। ये हीलियम आती है। अगर हम हीलियम का परसेंटेज देखें तो इसका जो परसेंटेज आता है 0.0130 लगा दीजिएगा, 5%। तीसरे नंबर पर हल्की गैसों में अगर हम देखें, जो तीसरी आपकी जो हल्की गैस आती है वो है क्रिप्टॉन। क्या है? क्रिप्टॉन है। हल्की गैसों में तीसरा स्थान आता है क्रिप्टॉन का। इसका परसेंटेज अगर देखें 0.001%। फिर उसके बाद हल्की गैसों में अगर हम चौथी गैस देखें तो वह है ज़ेनॉन। कौन सी? ज़ेनॉन है यह, और ज़ेनॉन की मात्रा 0.00050 लगा दीजिएगा, 5%, 0.0005%। इसके अलावा हल्की गैसों में जो पांचवी गैस है वह है ओजोन। क्या है? ओजोन। ये गैस बड़ी महत्वपूर्ण है, अभी आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। इसका जो परसेंटेज है 5-0 लगाइएगा, फिर 1 लिख दीजिएगा, यानी कि 0.00001% है। ये है गैसें। अगर हम देखें तो ये जो आर्गन गैस है ये कैसे है? अक्रिय गैस है, जिसको हम नॉवल गैस कहते हैं, यानी कि रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेती है। अक्रिय गैसों में आर्गन एक ऐसी गैस है जो भारी गैसों की श्रेणी में आती है। अक्रिय गैसों में आर्गन एक ऐसी गैस है जो कहाँ आती है? भारी गैसों की श्रेणी में आती है। दूसरी चीज़, अगर आपसे पूछा जाए अक्रिय गैसों में हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपका उत्तर होगा आर्गन। कौन सी है? आर्गन है। ये जो नाइट्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से मिलती है। क्या मिलती है? स्वतंत्र रूप से। लेकिन इस नाइट्रोजन गैस का मिट्टी में स्थिरीकरण किया जाता है। जो मिट्टी है, मृदा है, इसमें नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण या एकत्रीकरण ये किया जाता है लेग्यूमिनस श्रेणी के, किसके द्वारा? लेग्यूमिनस प्रजाति के, ठीक है, पौधों द्वारा। ये लेग्यूमिनस श्रेणी के पौधे, जैसे आपके जो दलहनी हैं फसलें, जैसे मटर, चना, ठीक है, अरहर, ठीक है, मूंग,
उड़द ये सब कैसे पौधे हैं? लिग्नस प्रजाति के पौधे के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और ये जो पौधे हैं जैसे अरहर का पौधा है, तो ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके अपनी जड़ तक ले जाता है। और इन प्रजाति के पौधों की जड़ों में, ठीक है, एक जीवाणु पाए जाते हैं जो मिट्टी में क्या करते हैं, उसको स्थिर करते हैं। क्या करेंगे? उसको स्थिर करते हैं। और उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम। ये प्रश्न आया हुआ है, प्रश्न आया हुआ है कि कौन से जीवाणु, ठीक है, स्वतंत्र रूप से पाई जाने वाली वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस को मिट्टी में स्थिरीकरण करते हैं या एकत्रित करते हैं, तो उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम। क्या नाम है उसका? ये राइजोबियम, ठीक है, एक सहजीवी, क्या है, एक सहजीवी जीवाणु है राइजोबियम, जो इन दलहनी फसलों की कहाँ पाया जाता है, जड़ों में, वहाँ से नाइट्रोजन को लेकर के मिट्टी में क्या करता है, एकत्रित कर देता है। याद रखिएगा, अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन को कौन सा पौधा मिट्टी में एकत्रीकरण करता है, उसमें ये नाम दे देंगे तो आपको नाम याद रखना है। जैसे मैंने बताया कि अरहर है, मूंग है, उड़द है, ठीक है, लोबिया है, ठीक है, ये लिग्नस प्रजाति के पौधे। इसके अलावा लहसुन है, लहसुन सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन को क्या करता है, ज़मीन में स्थिरीकरण करता है, ठीक है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण गैस है वो कौन सी है, ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है ये जीवधारियों के लिए क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी ऑक्सीजन के माध्यम से जो हीमोग्लोबिन है, जो रक्त का प्रसंचरण है, वही होता है। अगर ये ऑक्सीजन ना हो तो कोई भी जीवधारी जीवित रह ही नहीं पाएगा। इसके अलावा इन गैसों में जो एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसकी भले ये मात्रा बड़ी कम है, लेकिन इस समय ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार यही गैस है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति आने के बाद जब जीवाश्मों की खोज हो गई, जैसे पेट्रोलियम है, जो पेट्रोलियम पदार्थ है आपका, डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, इसके अलावा जो कोयले का जो दहन होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में बढ़ गई है। हमारे वायुमंडल में इसकी जब सांद्रता बढ़ गई है तो ये सूर्य से जो माइक्रोवेव्स आती हैं इसको तो आने देती है, लेकिन ये पृथ्वी के हीट होने के बाद ये जो परावर्तित होती हैं तो इसको रोक लेती है, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरितगृह प्रभाव की मात्रा में क्या हो गई है, वृद्धि, जिससे तापमान क्या हो गया है, बढ़ गया। आगे जब आपको हम ग्लोबल वार्मिंग बताएंगे तो एक बार इसकी चर्चा हम वहाँ करेंगे, तो इसको अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ। अब आइए हम देखते हैं कि ये जो वायुमंडल हमारा है, ठीक है, इसकी संरचना कैसे हुई है, इसकी संरचना के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसको रब कर दिया जाए। ये जो हमारा वायुमंडल है, ठीक है, दूसरी चीज, एक और चीज़, थोड़ा सा हम इन धूल कणों और जलवाष्प पर पाते हैं। किस पर आते हैं? धूल कण और जलवाष्प पर भी हम चर्चा करते हैं। ये जो धूल कण हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं वो निचली सतह में ही पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? निचली सतह में, ठीक है। और ये जो धूल के कण हैं ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये जो धूल के कण हैं, राख है, समुद्री नमक के कण हैं, ये धूल के कण आर्द्रता ग्राही होते हैं। क्या होते हैं? आर्द्रता। ये जैसे धूल का कण है ये, तो अपने चारों तरफ ये जलवाष्प को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और बाद में यही जलवाष्प चल करके आगे क्या बनती है, बादल का रूप में निर्माण करती है। अगर आप जो कोहरा देखते हैं, जो धुंध देखते हैं, ये सब अगर ये धूल के कण ना होते तो ये सब ना होता। दूसरी चीज़, ये हमारे वायुमंडल में ये जो धूल के कण और ये जो गैसें विद्यमान हैं, इनके कारण हमारा ये वायुमंडल कैसे दिखलाई देता है, नीला। आसमान कैसे दिखलाई देता है, नीला दिखलाई देता है। उसका रीज़न है कि सूर्य से जो किरण आती है, ठीक है, वो इनसे जब टकराती है तो परावर्तित हो जाती है, प्रकीर्णित करती है। क्या करती है? प्रकीर्णित करती है, जिसके कारण हमारा वायुमंडल कैसे दिखलाई देता है, नीला। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल नीला क्यों दिखलाई पड़ता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमारा वायुमंडल कैसे दिखलाई देता है, नीला दिखलाई देता है। और सुबह शाम कैसे दिखलाई देता है, लाल दिखलाई देता है। उसका रीज़न है, क्योंकि जब हम
दिन में दोपहर में अगर हम 10 बजे के बाद देखते हैं, 4 बजे तक देखते हैं, तो हमें आसमान कैसा दिखलाई देता है? नीला। लेकिन सुबह शाम कैसा दिखलाई देता है? लाल दिखलाई देता है। उसका रीज़न है, नीला दिखलाई देने का जो सबसे बड़ा कारण है, चूँकि सूर्य के सातों रंगों में जो नीला प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे क्या होती है? कम होती है। तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सबसे कम होती है। इसीलिए जो नीले रंग की प्रकाश है वो क्या होने लगता है? प्रकीर्णित होने लगता है। और जब प्रकीर्णन होगा तो इसीलिए हमारा जो आसमान है वो क्या दिखलाई देगा? नीला। जो बैगनी प्रकाश का जो बैगनी है, ठीक है, तो प्रकीर्णित हो जाता है और मिक्स रूप में हमारा आसमान नीला। लेकिन सुबह शाम कैसे ये लाल कलर का दिखलाई देता है? उसका रीज़न ये है कि चूँकि सुबह और शाम सूर्य के प्रकाश को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। अभी तो ऐसे आ रहा है, प्रकाश की दूरी क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है। लेकिन सुबह शाम, ठीक है, सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल की ज़्यादा जब दूरी तय करनी पड़ती है तो सूर्य के प्रकाश में जो लाल रंग का क्या है, लाल रंग का जो है उसमें, और उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, उसकी प्रकाश जो तरंग दैर्ध्य है उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसीलिए वो ज़्यादा दूरी तय कर लेता है, और इसीलिए सुबह शाम आपको हमारा जो वायुमंडल है वो लाल रंग का दिखलाई पड़ता है। इसका रीज़न क्या है? ये जो धूल के कण हैं। और हमारे वायुमंडल में अगर हम देखें तो जलवाष्प है। हमारे संपूर्ण जल का हमारे वायुमंडल में, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे संपूर्ण जल का हमारे वायुमंडल में जलवाष्प कितनी मात्रा में है, तो आपका उत्तर होगा कि हमारे वायुमंडल में संपूर्ण जल का 0.001%, कितना? 0.001% हमारे वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा विद्यमान है। और ये जो हमारा वायुमंडल है इसमें जलवाष्प जो है, ठीक है, वो अपने आयतन का, वायुमंडल का आयतन का 0 से मैक्सिमम 4% ही पाया जाता है। क्योंकि इससे ज़्यादा जब होगा तो बारिश के रूप में वो क्या होगा? पानी बन के बरस जाएगा, क्योंकि इसके ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता इसकी नहीं होगी। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले संपूर्ण जल का कितनी मात्रा हमारे वायुमंडल में निहित है, तो आप कहेंगे 0.001%। और हमारे वायुमंडल में अधिकतम जलवाष्प, ये जो वायु है, आर्द्रताग्राही जो कण है, कितनी मात्रा में धारण कर सकते, कितनी आयतन, जैसे ये आयतन की हवा है तो इसमें कितना जलवाष्प हो सकता है, तो आपका उत्तर होगा 0 से लेकर के 4%। और ये जो जलवाष्प है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो हमारे वायुमंडल में जो जलवाष्प पाया जाता है वो भूमध्य रेखा पर, कहाँ पाया जाता है? भूमध्य रेखा। और जैसे हम भूमध्य रेखा से ऊपर जाएंगे, या भूमध्य रेखा से जैसे हम नीचे ध्रुवों की तरफ जाएंगे या ऊपर जाएंगे, तो हमारे वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा क्या होगी? घटती जाएगी। यानी कि जलवाष्प की ज़्यादातर मात्रा हमारे वायुमंडल में कहाँ पाई जाती है? भूमध्य रेखा के पास पाई जाती है। और सबसे कम कहाँ पाई जाएगी? ध्रुवों पर, ठीक है। ये जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं या जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, जो क्या हैं, मरुस्थल हैं, वहाँ पर भी जलवाष्प की मात्रा हमारे वायुमंडल में क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम एनवायरनमेंट की दृष्टि से देखें तो जो ज़्यादा प्रश्न अब बनता है वो आगे चल करके ये जो हमारी वायुमंडल की जो विभिन्न परतें हैं इसके बारे में आपके क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा सा आज हम आपको वायुमंडल की परतों के बारे में संक्षिप्त रूप से बता रहे हैं। इसको रब कर दें, चलिए। ये जो वायुमंडल की हमारी जो परतें हैं, जो वायुमंडल है, इसको विभिन्न परतों में बांटने का जो काम किया है उनका नाम है पैटर्सन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वायुमंडल को विभिन्न परतों में किसने विभाजित किया है, तो आपका उत्तर होगा कि पैटर्सन महोदय ने वायुमंडल को 5 परतों में, कितना? 5 परतों में क्या किया है? विभाजित किया है। इनका थोड़ा सा देखिए, ये मान लीजिए पृथ्वी की सतह है। ये क्या है? सतह है। ये पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है। और हमने आपसे कहा था कि ये हमारा जो वायुमंडल है ये हमारी पृथ्वी की सतह से क्या है? लगा हुआ है। ये क्या है?
पृथ्वी की सतह से हमारा वायुमंडल क्या है, लगा हुआ है। ये जो सबसे सघन वायुमंडल है वो पृथ्वी की क्या है, सतह के पास है। अगर पूछा जाए कि वायुमंडल में गैसों की सघनता सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो आप कहेंगे पृथ्वी की सतह में। कहाँ है, पृथ्वी की सतह में। इसको थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन यहाँ से खूब आए हुए हैं। अगर आप उठा करके देखिए विगत एग्जाम को, तो आपको यहाँ से कई प्रश्न मिलेंगे। हर बार इस टॉपिक से कम 3-4 प्रश्न आए हुए, किसी न किसी तरीके से क्या है, आए हुए। तो इसलिए थोड़ा सा इसको केयर हो करके इसको सुनिएगा, समझिएगा। ये आपका क्या है, पृथ्वी की सतह है, और ये आपका क्या है, वायुमंडल है। आप देख रहे हैं सतह पर गैसों की क्या है सघनता, डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं इसकी सघनता क्या हो रही है, कम होती जा रही है। देखिए पांच जो परतें बांटी गई हैं, पैटरसन ने बांटा है। किसने बांटा है, पैटरसन ने। ये पांच परतों में इस वायुमंडल को बांटा। पृथ्वी की सतह से जो लगी जो पहली परत है, इसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी की सतह से लगी वायुमंडल की पहली परत कौन है, तो आप कहेंगे क्षोभ मंडल, ट्रेटोस्फियर। ठीक है, ये क्या है, क्षोभ मंडल। ये जो क्षोभ मंडल है, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 13 किलोमीटर। कितना है, सतह से क्षोभ मंडल की अगर ऊंचाई पूछी जाए तो आपका उत्तर होना चाहिए कितना, 13%। कितना, 13%। दूसरी चीज, एक चीज याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि क्या पृथ्वी की सतह से क्षोभ मंडल की ऊंचाई हर जगह बराबर है, तो आपका उत्तर होगा नहीं। ये जो क्षोभ मंडल है इसकी ऊंचाई हर जगह बराबर नहीं है। इसकी जो सबसे ज्यादा क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वो भूमध्य रेखा के पास है। कहां पर है, भूमध्य रेखा के पास है। हम यहां एक बार बना दे रहे हैं, फिर मिटा देंगे इसको। अगर ये पृथ्वी है जैसे, तो ये क्या है, भूमध्य रेखा है। ये क्या है, भूमध्य रेखा है, और ये क्या है, ध्रुव है। ठीक है, तो ये जो क्षोभ मंडल है सबसे ज्यादा जो इसकी ऊंचाई है 18 से लगभग 20 किलोमीटर। कितना, 1820 किलोमीटर कहाँ पाई जा रही है, भूमध्य रेखा के पास। और अगर ध्रुवों पर देखें तो इसकी ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर है। कितना है, 8 से 10 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा रीज़न है जिसके कारण, ठीक है, भूमध्य रेखा के पास क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या है, सर्वाधिक है ना, तो उसका दो रीज़न है। ठीक है, उसके दो रीजन्स हैं। ठीक है, पहला रीज़न ये है कि जब पृथ्वी घूर्णन करती है, क्या करती है, घूर्णन करती है, तो पृथ्वी की सबसे ज़्यादा जो तीव्र गति होती है वो भूमध्य रेखा के कहाँ होती है, पास होती है। कहाँ होती है, भूमध्य रेखा के पास। जब स्पीड ज़्यादा होती है तो उसी अनुपात में गुरुत्वाकर्षण का बल क्या होता है, कम होता है। इसीलिए जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं वो भूमध्य रेखा के पास से किए जाते हैं। कहाँ से किए जाते हैं, भूमध्य रेखा के पास से। जैसे हमारा जो सैटेलाइट का प्रक्षेपण केंद्र है वो कहाँ है, थुम्बा है, केरला में है। ठीक है, तो जब गुरुत्वाकर्षण का बल कम होगा तो यहाँ वायुमंडल का विस्तार क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक अधिक हो जाएगा। जो दूसरा रीज़न है, ठीक है, दूसरा रीज़न ये है कि यह जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर, ठीक है, साल के 12 महीने, ठीक है, और 12 घंटे यहाँ तापमान हमेशा क्या रहता है, उच्च रहता है। जब तापमान यहाँ उच्च रहेगा तो यहाँ की जो गैसें हैं वो क्या हो जाएंगी, हल्की हो जाएंगी, विरल हो जाएंगी, और जब विरल होती हैं तो इनकी ऊंचाई क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा कि दो रीज़न हैं जिनके कारण भूमध्य रेखा के पास क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और ये जो जलवाष्प है 5 किलोमीटर तक ऊंचाई तक लगभग जलवाष्प का 90% ही पाया जाता है। ये जो क्षोभ मंडल है, ठीक है, यहाँ पर आप मौसम परिवर्तन इसी मंडल में देखेंगे, बिजली का तड़कना, ठंडी गर्मी सर्दी सब इसी मंडल में होता है।
इसीलिए क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि किस मंडल को, वायुमंडल के किस मंडल को परिवर्तन मंडल कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा किसको? क्षोभ मंडल को। क्योंकि सारी मौसमी घटनाएं, ठीक है, ठंडी गर्मी, आज ऐसा है तो कल मौसम चेंज हो रहा है, तो सब कुछ कहाँ हो रहा है? इसी क्षोभ मंडल में। और इसीलिए क्षोभ मंडल को क्या कहा जा रहा है? परिवर्तन मंडल। दूसरी चीज, एक चीज और देखिए कि इसमें जो वायु चलती हैं, जब पृथ्वी की सतह से वायु टकराती हैं, नीचे वाली वायु, तो पृथ्वी की सतह जब गर्म रहती है, पृथ्वी की सतह क्या रहती है? गर्म रहती है, तो यहाँ की जो वायु इसके संसर्ग में आती है वो क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। और जब वायु गर्म होती है तो हल्की होकर कहाँ उठ जाएगी? ऊपर। जैसे ही वायु हल्की होकर ऊपर उठेगी तो वायु क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। जब ठंडी होगी तो वायु भारी हो जाएगी और पुनः नीचे आएगी। क्या आएगी? पुनः वायु नीचे आएगी। और जब पुनः वायु नीचे आती है तो पुनः पृथ्वी की सतह से संपर्क करने में वायु पुनः क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। और जब गर्म होगी तो पुनः वायु क्या हो जाएगी? ऊपर उठ जाएगी। और यहाँ की जो ठंडी वायु है आ जाएगी यहाँ, और जब पुनः ये गर्म वायु ऊपर उठी है ये भी फिर ठंडी हो जाएगी। जब ठंडी हो जाएगी भारी हो जाएगी, पुनः ये नीचे। ऐसे वायु का क्या चलता है? चक्र चलता है। ये संवहन है, इसी को क्या कहते हैं? संवहन। ठीक है, इसी प्रकार से वायु चलती है। तो संवहन की प्रक्रिया कहाँ हो रही है? क्षोभ मंडल में। तो इसीलिए क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा किसे? ठीक है, क्षोभ मंडल को क्या कहा जाता है? संवहन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज, ये क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा में, ये यहां पर ये जेट वायु धाराएं चलती हैं। क्या चलती हैं? जेट वायु धाराएं। अगर आपसे पूछा जाए कि जेट वायु धाराएं किस मंडल में चलती हैं, तो आपका उत्तर होगा जेट वायु धाराएं कहां चलती हैं? क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा में चलती हैं। और ये जो क्षोभ मंडल है, ठीक है, क्षोभ मंडल में पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, तापमान में क्या हो जाएगी? गिरावट आएगी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हम पृथ्वी की सतह से क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे, तापमान बढ़ेगा कि घटेगा कि स्थिर रहेगा, तो आपका उत्तर होगा कि तापमान वैसे वैसे ही क्या होगा? घटता जाएगा। तापमान क्या होगा? घटता जाएगा। और ये जो तापमान के घटने की जो दर है, ठीक है, 165, कितना? 165 मीटर पर एक डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है? डिक्रीज होता है। वायुमंडल में तापमान के जो डिक्रीज होने की, तापमान के जो गिरने की जो दर है वो कितना है? 165 मीटर पर एक डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? एक डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, इसी को तापमान की, इसको क्या कहा जाता है? तापमान की सामान्य ह्रास्य दर। क्या कहा जाता है? तापमान की सामान्य ह्रास्य दर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि तापमान की सामान्य ह्रास्य दर क्या है, तो आप कहेंगे कि वह दर जिसके द्वारा क्षोभ मंडल में तापमान में क्या आती है? गिरावट आती है। और जब हम ऊपरी सीमा में, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में जब हम पहुंचते हैं, तो यहाँ तापमान गिर करके माइनस कितना पहुंच जाता है? 80 डिग्री। ये, लेकिन ये जो तापमान की जो गिरावट है, ये माइनस 80 डिग्री ध्रुवों पर होता है। कहाँ होता है? ध्रुवों पर। और भूमध्य रेखा पर माइनस 45 डिग्री होता है। यानी कि क्षोभ मंडल में भी तापमान क्या है? असमान है, एक समान नहीं है। सबसे कम तापमान कहाँ है? ध्रुवों के क्षेत्र पर। जो ध्रुवी क्षेत्र है वहाँ पर कितना है? माइनस 80 डिग्री। और भूमध्य रेखा के पास कितना है? माइनस 45 डिग्री है। कितना है? माइनस 45 डिग्री। इसके बाद जो दूसरी परत आती है, ये, इसको कहते हैं
समताप मंडल। क्या कहते हैं? समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। इसकी जो सतह से ऊंचाई होती है, किसकी? समताप मंडल की। इसकी ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर, किसी किसी किताब में आपको 55 किलोमीटर भी दे दिया गया होगा, लेकिन ये अमूनन माना जाता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 50 किलोमीटर, समताप मंडल। इसे समताप मंडल इसलिए कहा जाता है कि चूँकि यहाँ पर तापमान क्या रहता है? स्थिर रहता है, मौसमी घटनाएं यहाँ पर नहीं रहती, ये बड़ा शांत क्षेत्र है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? समताप मंडल कहा जाता है। इसको थोड़ा सा देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है, ये जो समताप मंडल है इसमें ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन की परत। एक क्वेश्चन बहुत कॉमन, बहुत छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी बड़ा इजी प्रश्न डाल दिया जाता है कि ओजोन गैस या ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो आपका उत्तर होगा समताप मंडल में। कहाँ पर? समताप मंडल। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो ओजोन गैस है इसका विस्तार 15 से 55 किलोमीटर है। कितना है? 15 से 55 किलोमीटर तक ओजोन गैस का क्या होता है? विस्तार होता है। लेकिन ओजोन गैस की जो सघनता है, किसकी? ओजोन गैस की जो सघनता है वो 15 से लेकर के 35 किलोमीटर के बीच है। कितना है? ओजोन की जो सघनता है वो कितना है? 15 से लेकर के 35 किलोमीटर के बीच है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन की परत समताप मंडल के किस हिस्से में पाई जाती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कहाँ पाई जा रही है? निचले मंडल में। कहाँ पाई जा रही है? निचले मंडल में। ये क्या पाई जा रही है? ओजोन की परत पाई जा रही है। ये गैस है, ओजोन क्या है? गैस है, ठीक है। ये जो ओजोन है इसके 3 परमाणु हैं, ठीक है। जब सूर्य से कॉस्मिक रेज आती है, पराबैंगनी जो किरण आती है, तो ये इनको क्या करती है? विखंडित कर देती है। जब विखंडित कर देगी तो अलग अलग इसके परमाणु ऐसे हो जाएंगे, और जब ये परमाणु ऐसे हो जाएंगे तो बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में तो परमाणु है, ये जा करके इससे क्या होते हैं? मिल जाते हैं। जब मिल जाएंगे तो फिर O3 का क्या हो जाता है? निर्माण। ओजोन गैस का जो रासायनिक सूत्र, जो नाम है, वो क्या है? O3, ठीक है। और ऑक्सीजन का क्या है? O2 है। क्या है? O2 है, देख रहे हैं। अब ये सिंगल हो गई, फिर उसके बाद नीचे से जा कर के जब ऑक्सीजन इससे मिल जाती है तो तुरंत क्या हो जाएगी? O3 का क्या होता है? निर्माण। प्रकृति में शुरू से ओजोन का टूटना और बनना सदैव लगा था, लेकिन औद्योगिक एज आने के बाद, ठीक है, हम नीचे से जो CFCs गैसें हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, और ये जब गैसें नीचे से जा रही हैं तो ओजोन गैसों के ये जो परमाणु हैं इनको भी क्या कर दे रही हैं? विखंडित कर दे रही हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि जेटयान इसी मंडल में क्या बढ़ते हैं? उड़ान। और उनसे जो नाइट्रस ऑक्साइड गैसें निकलती हैं बड़ी मात्रा में, ओजोन को वो भी क्या कर रही हैं? क्षरित कर रही हैं, जिसके कारण ओजोन का यहाँ पर क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है, ठीक है। और ये जो ओजोन परत है इसकी खोज 1913 में फैब्रिक चार्ल्स, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ओजोन परत की खोज किसने की, तो आपका उत्तर होगा फैब्रिक चार्ल्स। और हेनरी, ये फ्रांस के थे दोनों लोग, हेनरी बोसान ने, किसने? हेनरी बोसान और फैब्रिक चार्ल्स ने ओजोन, ठीक है, परत की क्या की थी? खोज की थी। कब किया था? 1913 में इन लोगों ने ओजोन परत की क्या की थी? खोज की थी। ब्रिटिश वैज्ञानिक दल के एक सदस्य थे जिनका नाम था जोसेफ फॉरमैन। क्या नाम था? जोसेफ फॉरमैन। इन्होंने 1985 में ये बताया कि ओजोन का क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है। जब ये अंटार्कटिका दल के सदस्य थे तो उसी समय, ठीक है, जोसेफ फॉरमैन ने बताया कि ये जो ओजोन परत है इसकी बड़ी मात्रा में क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है।
और बाद में इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर ओजोन परत के संरक्षण के लिए, इनके क्षरण के क्या संरक्षण के लिए, ठीक है, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता किससे जुड़ा हुआ है, तो आपका होगा ओजोन परत के क्षरण से। ओजोन परत की खोज किसने किया था? फैब्री चार्ल्स और हेनरी ओसान ने। और सबसे पहले किसने बताया कि ओजोन का क्षरण हो रहा है? जोसेफ फॉरमैन ने। और ओजोन के संरक्षण के लिए जो समझौता पहली बार हुआ वो कौन सा था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता कब हुआ था, तो 1987 में। चूँकि ये ओजोन परत है, ये जो ओजोन गैसें हैं, ये जो सूर्य से कास्मिक जो रेज आती हैं, पराबैंगनी किरणें आती हैं, इनको अवशोषित कर लेती हैं। अगर ये परत ना होती तो ये पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी की सतह पर क्या करती? इनकाउंटर करती, डायरेक्ट आती, और इससे जीवधारियों में, ठीक है, क्या हो जाती? बहुत सारी बीमारियां, खास कर करके जो त्वचा रोग है। इस समय आप देखिए त्वचा रोग के मामले क्या हो चुके हैं? बढ़ गए। दूसरा, तापमान में भी इससे क्या होती? वृद्धि होती, ठीक है। और अगर ये परत ना होती तो ये जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, ये सीधा इनकाउंटर करती और बीमारियां तो छोड़ दीजिए, जेनेटिक बहुत परिवर्तन भी होते। तो ये ओजोन क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। दूसरी चीज़, ये जो ओजोन गैस है, ठीक है, इसको मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि ओजोन गैस की परत की मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन इकाई से इसे क्या करते हैं? मापते हैं। अगर हम किसी तरीके से ओजोन की ये जो परत है अगर उसको हम दबा दें तो ये मात्र मैक्सिमम 3 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होगी। कितना? 3 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होगी। इसके बाद दूसरी चीज़, एक और, अभी तक हमने कहा था कि क्षोभ मंडल में टेम्परेचर क्या हो रहा है? गिर रहा है, और गिर कर कितना हो गया? -80 डिग्री। कितना? 80 डिग्री। लेकिन जब ये ओजोन जो परत है इसमें एक बार तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। तापमान क्या होगा? बढ़ने लगेगा। और ओजोन के ऊपरी सतह पर तापमान आ करके, ठीक है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अभी यहाँ माइनस कितना था? 80 डिग्री, 45-80 डिग्री के बीच था। लेकिन ओजोन परत में चूँकि ओजोनीकरण यहाँ प्रक्रिया रहती है तो एक बार तापमान क्या होगा? फिर बढ़ जाएगा, और बढ़ करके यहाँ पर सीमा पर आकर कितना हो जाएगा? -0 डिग्री। कितना? 0 डिग्री। एक बात और रखिए याद, ये जो समताप मंडल है, ठीक है, इस समताप मंडल के निचली सतह में जेट वायुयान उड़ान भरते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जेट वायुयान उड़ान कहाँ भरते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए समताप मंडल में। कहाँ पर? समताप मंडल में, ठीक है। इसके बाद जो तीसरी परत आती है, कौन सी तीसरी परत आती है? वो है मध्यमंडल, मेसोस्फीयर। क्या है? मध्यमंडल है। कौन सी है? मध्यमंडल। और ये मध्यमंडल की जो ऊंचाई है उस सतह से 80 किलोमीटर तक है। कितनी है? 80 किलोमीटर तक है। और इस मध्यमंडल में जो तापमान है ये पुनः क्या होगा? गिरने लगेगा। क्या होगा? गिरने लगेगा। और यहाँ पर गिर करके तापमान -100 डिग्री पहुँच जाएगा। कितना पहुँच जाएगा? -100 डिग्री सेंटीग्रेड। आप देख रहे हैं, एक बार यहाँ पहले शुरू में क्षोभ मंडल में तापमान क्या हो रहा है? गिर रहा है, और गिरकर कितना पहुंच गया? -80 डिग्री। फिर उसके बाद समताप मंडल में ओजोनी किरण प्रक्रिया है तो बीच में एक बार तापमान क्या होता है? फिर बढ़ने लगता है। अभी माइनस था, आकर के यहाँ 0 तक हो गया। फिर उसके बाद मध्यमंडल में पुनः तापमान क्या हो रहा है? गिर रहा है, और गिर कर कितना पहुंच गया? -100 डिग्री। ये 100 डिग्री जो माइनस है हमारे वायुमंडल का सबसे क्या है? न्यूनतम तापमान है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे वायुमंडल में सबसे न्यूनतम तापमान कहाँ पाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा कहाँ? मध्यमंडल।
कहाँ? मध्यमंडल। और एक और परत है जो इम्पॉर्टेंट है, बता करके ख़त्म करूँ, ठीक है। इसके बाद जो ऊपरी परत है, ये वाली, इसे हम कहते हैं आयन मंडल, क्योंकि यहां पर आयनीकृत ऋणावेशित कण पाए जाते हैं, ये आयन मंडल है। आयनोस्फीयर, ये क्या है? आयन मंडल है। अगर हम इसकी ऊंचाई सतह से देखें तो इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर है। कितना है? 640 किलोमीटर है। कितना? 640। और यहां पर अब टेम्परेचर में वृद्धि होने लगेगी। टेम्परेचर में क्या होने लगेगी? वृद्धि होने लगेगी। और यहां पर टेम्परेचर पहुंच करके 700 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, यानी कि सबसे न्यूनतम तापमान किसमें है? समताप मध्यमंडल में। और सबसे उच्चतम तापमान किसमें है? आयन मंडल में। किसमें है? आयन मंडल में। इसीलिए आयन मंडल को तापमंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तापमंडल भी कहते हैं। ये जो आयन मंडल है इसमें ऋणावेशित कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ऋणावेशित कण। और इसीलिए इस मंडल में विद्युत चुंबकी क्या चलती हैं? आधियां चलती हैं। क्या चलती हैं? विद्युत चुंबकी आधियां चलती रहती हैं। यहाँ पर आयनीकृत ऋणावेशित कण पाए जाते हैं और तापमान क्या होता है? इसीलिए ये उच्च होता है। इसका फायदा क्या है? अब जब कोई भी चट्टानी टुकड़ा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसकी कक्षा में प्रवेश करता है, कोई भी चट्टानी टुकड़ा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब उसकी कक्षा में प्रवेश करता है तो यहाँ का टेम्परेचर क्या है? उच्च है, 700 डिग्री है। और घर्षण के कारण ये जलने लगता है। क्या करने लगता है? जलने लगता है। और इसी घटना को हम लोग कहते हैं उल्कापात। क्या कहते हैं? उल्कापात, या शूटिंग स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार। आम बोलचाल की भाषा में इसे कहते हैं तारे का टूटना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उल्कापात की घटनाएं किस मंडल में होती हैं तो आपका उत्तर होगा आयन मंडल में। कहाँ होती हैं? आयन मंडल में होती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि ये जो आयन मंडल है, जब हम पृथ्वी की सतह से रेडियो तरंगे भेजते हैं तो आयन मंडल से क्या कर दी जाती हैं? परावर्तित कर दी जाती हैं। क्या कर दी जाती हैं? परावर्तित कर दी जाती हैं, जिसके कारण हम रेडियो प्रसारण सुनते हैं। अगर कल्पना करिए कि अगर ये आयन मंडल ना होता तो बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े डायरेक्ट हमारे पृथ्वी की सतह पर इनकाउंटर कर दे तो क्या जीवन संभव होता? जुरासिक काल में कहा जाता है कि बहुत बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से आकर टकराया था, और इतना टकराया था कि समुद्र के जल जो थे वो ऊपर फेंका गए थे, और जो डायनासोर हो गए थे वो विलुप्त हो गए थे। इतना तीव्र धमाका था कि पूरे वायुमंडल में क्या लग गई थी? आग लग गई थी, ठीक है। तो ये जो आयन मंडल है, और आयन मंडल को भी चार लेयर में बांट दिया जाता है। कितने लेयर में बांटा जाता है? चार, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, आयन मंडल को भी चार लेयर में बांटा जाता है। आयन मंडल को आयनोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। और इसको तापमान यहाँ पर ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? तापमंडल। और इसको चार लेयर में बांटा जाता है, डी लेयर, ई लेयर, एफ और जी, ठीक है। ये जो डी लेयर है ये 80 से, इसकी जो ऊंचाई होती है 80 से 94 किलोमीटर के बीच होती है, और जो ई लेयर होती है ये 94 से, कितना? 94 से 114 किलोमीटर के क्या होती है? बीच होती है। और एफ लेयर की जो मोटाई पाई जाती है 114 से लेकर के 360 किलोमीटर के बीच पाई जाती है, और इसकी जो मोटाई है 360 से लेकर के 640 किलोमीटर के क्या होती है? बीच होती है। इसके बाद जो सबसे बाहरी परत है उसको वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। इसकी ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर है। ये क्या है? वायुमंडल।
ये क्या है? वायुमंडल। यहाँ पर गैसें अत्यंत क्या होती हैं? विरल होती हैं। इसके बाद लगभग 1000 के बाद लगभग 10000 किलोमीटर तक हमारे वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं, लेकिन एकदम से क्या होती हैं? विरल होती हैं। और 10000 किलोमीटर के बाद अंतरिक्ष की क्या होती है? शुरुआत होती है, जो एकदम से क्या है? घना काला स्याह है। ठीक है,